वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तान मिरर यूट्यूब चैनल। दरअसल मैं आज आपको हमारे देश की सबसे बड़ी सजा जो कि फांसी की सजा है उससे जुड़ी कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो आइए जानते हैं सारी बात। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा और लोगों से सुना भी होगा कि कोर्ट में जब जज किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही वह उस पेन की निब को तोड़ देते हैं जिससे उन्होंने फांसी की सजा का आदेश लिखा होता है। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? आखिर जज द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह प्रचलन सिर्फ भारत देश में ही है और किसी भी देश में इस तरह का कोई प्रचलन नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार जब किसी मुजरिम को फांसी या मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसके तुरंत बाद ही जज द्वारा पेन की निब तोड़ दी जाती है। भारतीय कानून में सबसे बड़ी सजा फांसी की सजा है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस यानी कि जघन्यतम अपराध के मामले में ही मुजरिम को फांसी की सजा सुनाए जाने का प्रावधान है। जिस व्यक्ति का अपराध जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है उसे ही मौत की सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे किसी भी मामले में सजा सुनाने के बाद जज अपने पेन की निब को तोड़ देते हैं इस आशा में कि दोबारा ऐसा घोर अपराध कभी ना हो सके। एक कारण यह भी माना जाता है कि इस सजा के बाद किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए ये सजा सुनाने के बाद पेन की निब को तोड़ दिया जाता है ताकि पेन का भी जीवन समाप्त हो जाए और इसके बाद पेन द्वारा कुछ भी लिखा ना जा सके। भारत में फांसी की सजा किसी भी बड़े अपराध के लिए अंतिम सजा होती है। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है तो इसके बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। हालांकि एक गुंजाइश अब भी बाकी होती है। मौत की सजा के मामले में आखिर में सजा माफी की याचिका पर विचार करने वाले केवल देश के राष्ट्रपति होते हैं। वह अगर अपने विवेक के आधार पर अपराधी को माफ कर दे तो वह सजा माफ हो सकती है। लेकिन आज तक के इतिहास में कभी कोई भी मुजरिम राष्ट्रपति द्वारा फांसी की सजा में माफ नहीं किया गया है। इस वजह से जब पेन से मौत लिखी जाती है तब उसकी निब तोड़ दी जाती है। यह भी माना जाता है कि अगर फैसले के बाद पेन की निब तोड़ी जा चुकी है तो इसके बाद खुद उस जज को भी यह अधिकार नहीं होता है, केवल राष्ट्रपति के, कि वो दोबारा उस फैसले को बदलने के बारे में सोच सके। पेन की निब टूट जाने के बाद इस फैसले पर दोबारा विचार भी नहीं किया जा सकता। तो पीपल्स, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और उससे जुड़ी सारी हाइलाइट्स और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।